हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल नरेश जोशी को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए। जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए उसके लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। कैलकुलेट किए पहले तो पीरियोडिक है, पीरियोडिक होने की वजह से आपको अगर आप में वहां पे अगर आप फोर लिखोगे सॉरी थ्री लिखोगे और आप जीरो की वैल्यू लिखोगे मतलब एक्स वन ऑफ जीरो और यहाँ पे पीरियोडिक इक्वेशन है एक्स वन ऑफ जीरो इज इक्वल्स टू एक्स वन ऑफ थ्री और इक्वल्स टू एक्स टू ऑफ थ्री। ये सब की वैल्यू मतलब ये जो आपके यहाँ पे ये एक्स वन ऑफ थ्री की वैल्यू इसके इक्वल होगी और इसकी वैल्यू एक्स टू ऑफ जीरो। तो ये इक्वेशन आपके इसे ध्यान रखना है, कंडीशन ये पीरियोडिक कंडीशन लाती है तो आपको बस ध्यान रखना है। टू यहाँ पे आपका थ्री आएगा एक्स टू ऑफ जीरो आएगा। ऑर्डर वापस फॉलो करना है, के इक्वल्स टू फोर एक्स ऑफ फोर एक्स वन ऑफ वन। अब आप देखो जी उसमें जीरो आया तो अब यहाँ पे क्या आएगा वन आएगा, ठीक है। डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर एक्स टू ऑफ वन, यहाँ पे फोर ही आएगा लेकिन यहाँ पे क्या आएगा वन है क्योंकि इसकी वैल्यू हमने डिटरमाइन कर चुके हैं प्रीवियस, ठीक है ना। नेक्स्ट एक्स ऑफ फाइव लास्ट एक्स ऑफ फाइव एक्स वन ऑफ टू डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर एक्स टू ऑफ टू, क्लियर। तो ये हमने इस इक्वेशन निकाल ली बराबर। अब इन्हीं इक्वेशन को हमको यूज करके फ्रेंड्स डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है। और उस डायग्राम को हमको डेवलप डीआईटीएफबी, तो मैं डीआईटीएफबी का डायग्राम डेवलप कैसे करता हूँ आइए चलो चेक करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पे फाइव आएगा, मेरे से लिखने में मिस्टेक हो गया है, क्लियर। सो मैंने करेक्शन कर लिया हूं, मिस्टेक होना ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। मेरे ख्याल से यहां तक आपको क्लियर हो चुका होगा कैसे अपन आगे बढ़ रहे हैं धीरे धीरे, तो उसी के अकॉर्डिंग हमने यहां तक किया, ठीक है। नेक्स्ट अपन चेक करते हैं कैसे इसका आगे वो होगा। चलो स्टार्ट करते हैं डायग्राम। अब मैं आपको डायग्राम दे रहा हूं, ध्यान से समझना डायग्राम आपको क्या ध्यान देना है फ्रेंड्स। देखो ये इक्वेशन आपको पहले फोकस करना है, ये वाली हमने यहाँ पे क्या वैल्यू पुट किया है, ठीक है। देखा देता हूं मैं आपको कौन कौन सी इक्वेशन, के इक्वल्स टू हमने जो जीरो ये वाली इक्वेशन और ये, क्लियर। जीरो एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ वन एक्स ऑफ टू एक्स ऑफ थ्री एक्स ऑफ फोर एक्स ऑफ फाइव, ठीक है। ये आपका आउटपुट है। सो सी वी विल राइट दिस आउटपुट ऑन द राइट हैंड साइड, एक्स ऑफ जीरो एक्स ऑफ वन एक्स ऑफ टू एक्स ऑफ थ्री एक्स ऑफ फोर एक्स ऑफ फाइव, क्लियर। यहाँ पे हम जो डायग्राम बना रहे हैं वो है डी आई टी एफ एफ टी, डेसिमेशन इन टाइम फास्ट फॉरियर ट्रांसफॉर्म, क्लियर। सो ये हो गया अपना इक्वेशन। अब फ्रेंड इसी इक्वेशन में आपको एक वापस दिखाऊंगा तो यहाँ पे एक चीज आपको ऑब्जर्व करनी होगी। अगर हम एक्स ऑफ जीरो की बात करते हैं तो एक्स ऑफ जीरो किससे बन रहा है, एक्स वन ऑफ जीरो एंड एक्स टू ऑफ जीरो। तो हमको क्या करना होगा, वापस देखो x1 ऑफ वन देखोगे तो आप x1 ऑफ वन x2 ऑफ वन, तो ये चीज है। तो अपने को यहाँ पे मैं बीच में एक पॉइंट मार्क करता हूँ, दिस पॉइंट इज व्हाट x1 ऑफ जीरो, दिस पॉइंट इज व्हाट x1 ऑफ वन, दिस पॉइंट इज व्हाट x1 ऑफ टू एंड नेक्स्ट x2 ऑफ जीरो x2 ऑफ वन और x2 ऑफ टू। यही वैल्यू हमने डिटरमाइन की थी फ्रेंड्स, पता है ना, x1 ऑफ जीरो निकाला था, x1 ऑफ वन निकाला था, x1 ऑफ टू निकाला था, फिर सेकंड x2 ऑफ जीरो x2 ऑफ वन x2 ऑफ टू, ठीक है। नाउ अभी आपको क्या ध्यान देना है, समझना कैसे कि यहां पे देखो x, अभी जो आपका डायग्राम कैसे डेवलप हो रहा है, सी एक्स ऑफ जीरो इक्वल टू क्या एक्स वन ऑफ जीरो, ये आपका एक्स वन ऑफ जीरो जो एक्स ऑफ जीरो पे आ रहा है तो इसको मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया। नेक्स्ट क्या है, डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो और मल्टीप्लाई विद एक्स टू ऑफ जीरो, एक्स टू ऑफ जीरो है तो यहां से आपको एरो एक लाइन ड्रॉ करना है सीधा, किस पे कंबाइन करना है यहां पे, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एक साथ डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो, तो ये मैंने कर दिया डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो, क्लियर फ्रेंड्स। ये आपका एज इट इज आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट एक्स वन ऑफ जीरो सेकंड एक्स टू ऑफ जीरो। अब हम आ जाए सेकंड पॉइंट पे, यहाँ पे एक्स वन ऑफ वन, एक्स वन ऑफ किससे कंसिस्ट है, एक्स वन ऑफ वन से कंसिस्ट है, तो एक्स वन ऑफ वन ये आपका एक्स ऑफ वन ऑफ वन, क्लियर। और सेकंड पॉइंट कौन सा है, एक्स इस पे क्या आ रहा है, जो आ रहा है वो है एक्स टू ऑफ वन, तो एक्स टू ऑफ वन से आपका आएगा एक्स टू ऑफ वन यहाँ पे आएगा, क्लियर। और इसके साथ मल्टीप्लाई किया डब्ल्यू सिक्स रेस टू वन, क्लियर।
ये हो गया आपका डे। नेक्स्ट आपका आएगा सी, नेक्स्ट है आपका, देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो आ रहा है एक्स टू ऑफ टू इज इक्वल टू एक्स वन ऑफ टू डब्ल्यू सिक्स रेस टू टू एंड एक्स टू ऑफ टू, ठीक है। तो इसी पैरामीटर को हम यहाँ पे यूज करेंगे। अब सेकंड एक्स टू ऑफ टू आपका ये है, ये किससे कंसिस्ट था, एक्स वन ऑफ टू, तो ए एक्स वन ऑफ टू आपका एज इट इज आ रहा है। इक्वेशन आप देखिएगा एक्स वन ऑफ टू, नेक्स्ट इक्वेशन कौन सा है, डब्ल्यू सिक्स रेस टू टू मल्टीप्लाई विथ एक्स टू ऑफ टू, तो एक्स टू ऑफ टू सीधो इस एरो को यहाँ पे कनेक्ट कर दीजिए और यहाँ पे मल्टीप्लाई डब्ल्यू सिक्स रेस टू टू, क्लियर। नेक्स्ट लेंगे हम, आ जाते हैं एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ थ्री में क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ थ्री इज इक्वल कंसिस्ट ऑफ एक्स वन ऑफ जीरो और एक्स टू ऑफ जीरो, क्लियर। सो एक्स थ्री ऑफ जीरो कहाँ पे आ रहा है, ठीक है। सो यहां से सीधा हम जीरो को यहां पे कनेक्ट करेंगे, ये आपका एक्स एक्स थ्री ऑफ कंसिडर एक्स वन ऑफ जीरो। फिर एक्स ऑफ थ्री पे दूसरा कौन सा आ रहा है, एक्स टू ऑफ जीरो, ये एक्स टू ऑफ जीरो बट इसके साथ मल्टीप्लायर है, तो मल्टीप्लायर की वैल्यू क्या, डब्ल्यू सिक्स रेस टू थ्री, वो मैंने यहां पे लिख दिया। नेक्स्ट एक्स ऑफ फोर, एक्स ऑफ फोर, एक्स ऑफ फोर पे किससे कंसिस्ट है, एक्स ऑफ फोर कंसिस्ट है एक्स वन ऑफ वन डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर एक्स टू ऑफ वन, तो यहां पे एक्स वन ऑफ वन, तो एक्स वन ऑफ वन कहां से, ये आपका सीधा लाइन एरो यहां से ड्रॉ होगी, एक्स वन ऑफ वन, ये आपका एक्स वन ऑफ वन। नेक्स्ट क्या देखो, एक्स टू ऑफ वन, तो एक्स टू ऑफ वन, ये एक्स टू ऑफ वन एज इट इज आ ही रहा है और यहां पे मल्टीप्लाई है डब्ल्यू सिक्स रेस टू साथ में फोर, ठीक है। नेक्स्ट एक्स ऑफ फाइव, एक्स ऑफ फाइव इसका एक्स वन ऑफ टू और एक्स टू ऑफ टू, तो एक्स वन ऑफ टू कौन सा, ये आपका एक्स वन ऑफ टू है और दूसरा आपका एक्स टू ऑफ टू, यहां पे मल्टीप्लाई डब्ल्यू सिक्स रेस टू फाइव, क्लियर। तो ये हमारा सेकंड पार्ट, मतलब इस सेट का पार्ट फिनिश हो गया। अभी हम आगे फर्दर पार्ट सोल्व करेंगे, ठीक है। तो फर्दर पार्ट कैसे सोल्व करना है, देखिए जो हमने फर्स्ट इक्वेशन ली थी फ्रेंड्स, उसी इक्वेशन को वापस जाना पड़ेगा। ये इक्वेशन मैं आपको दिखा देता हूं, इक्वेशन नंबर फोर। अब एक्स वन ऑफ जीरो किससे कंसिस्ट है, एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ वन, मतलब ये आपका क्या होगा, एक्स ऑफ जीरो होगा, ये आपका क्या होगा, एक्स ऑफ टू होगा और ये आपका क्या होगा, एक्स ऑफ फोर होगा, क्लियर। ये जीरो टू फोर, तो इन सबसे मिलकर क्या बना, एक्स वन ऑफ जीरो बना है, तो उसी चीज। फिर आप देखो एक्स वन ऑफ वन वो भी किससे मिला होगा, एक्स जीरो एक्स टू एक्स फोर, एक्स ऑफ वन टू भी किससे बना होगा, एक्स जीरो एक्स टू एक्स फोर, मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो आपको पता रहे कि हाँ ये चीज देखो, ये रहा एक्स टू ऑफ जीरो, सॉरी ये पहले एक्स वन ऑफ सी, एक्स वन ऑफ वन, एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ फोर, तो मैंने वही लिखा एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ फोर। नेक्स्ट वाला देखिए एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ फोर, एक्स ऑफ जीरो, एक्स ऑफ, क्लियर। तो ये हम वन बाय वन अभी हम सोल्व करेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखिए इक्वेशन नंबर फोर, इक्वेशन फोर, ठीक है। अब इक्वेशन फोर किससे कंसिस्ट है, एक्स ऑफ जीरो, तो ये आपका एक्स ऑफ जीरो जा रहा है, इसको मैं एज इट इज एरो दे देता हूँ फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसके साथ मल्टीप्लायर क्या है, डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो, तो डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो यहां पर मैं लिख देता हूँ सिंपल। नेक्स्ट क्या है, एक्स ऑफ टू, तो एक्स ऑफ टू से आपको एरो ड्रॉ करना है सिंपल, ये यहाँ पे ये हो गया, उसके साथ मल्टीप्लायर है तो उसको भी आपको लिख देना डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो। नेक्स्ट एक्स ऑफ फोर, एक्स ऑफ फोर से आपको एरो ड्रॉ करना है सिंपल, यहाँ पे ये आपका एक्स ऑफ फोर और इसके साथ मल्टीप्लायर क्या है, डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो, क्लियर। तो ये इक्वेशन फोर हो गई। अभी नेक्स्ट इक्वेशन हम सिंप्लीफाई करेंगे, इक्वेशन नंबर फाइव, ठीक है फ्रेंड्स। तो इक्वेशन फाइव में क्या, सबसे फर्स्ट एक्स ऑफ जीरो, डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो। अब ये कहां पे फर्स्ट कंसिडर करेंगे, एक्स ऑफ जीरो, तो ये आपका फ्रेंड्स देखने का, यहाँ पे ध्यान से देखना है, वापस एक्स वन ऑफ वन है, एक्स वन ऑफ किससे कंसिस्ट है, एक्स ऑफ जीरो, तो ये आपका एक्स ऑफ वन, तो सबसे पहले आपका एक्स ऑफ जीरो, तो ये आपका एक्स ऑफ जीरो एज इट इज आ रहा है और यहाँ पे डब्ल्यू सिक्स रेस टू मल्टीप्लायर जीरो। फिर यहाँ पे क्या है, एक्स ऑफ टू, ठीक है, तो एक्स ऑफ टू, तो ये आपका एक्स ऑफ टू एज इट इज आ रहा है, तो इसको एरो दे दिया मैंने, पावर किया मल्टीप्लायर किया डब्ल्यू सिक्स रेस टू टू, तो आई विल राइट हियर डब्ल्यू सिक्स रेस टू टू। नेक्स्ट एक्स ऑफ फोर से कंसिस्ट है, तो ये आपका एक्स ऑफ फोर और इसके साथ मल्टीप्लायर है डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर, क्लियर। तो ये इक्वेशन फाइव कम्प्लीट। अभी नेक्स्ट इक्वेशन सिक्स, इक्वेशन सिक्स में देखो एक्स वन ऑफ टू किससे कंसिस्ट है, एक्स ऑफ जीरो मल्टीप्लाई डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो प्लस एक्स ऑफ टू डब्ल्यू फोर रेस टू डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर प्लस एक्स ऑफ फोर डब्ल्यू सिक्स रेस टू एट। तो सिंपल है, देखिए एक्स वन
ऑफ टू, सबसे पहले फर्स्ट ये लाइन यहाँ पे आएगी और इसकी पावर हो गया डब्ल्यू सिक्स रेस्ट टू जीरो। नेक्स्ट यहाँ पे आएगी ये वाला, ठीक है, इसकी पावर है आपकी डब्ल्यू सिक्स रेस्ट टू फोर, और ये आपका यहाँ पे आएगा डब्ल्यू सिक्स रेस्ट टू एट। क्लियर फ्रेंड्स? नेक्स्ट ये आपका इक्वेशन हो गया फाइव और सिक्स। अभी हम नेक्स्ट इक्वेशन लेते हैं इस पार्ट के लिए, एक्स टू ऑफ जीरो। अब एक्स टू ऑफ जीरो के लिए सबसे फर्स्ट एक्स टू ऑफ जीरो वाली इक्वेशन लगेगी हमको, तो एक्स टू ऑफ जीरो वाली इक्वेशन कंसिडर करता हूं मैं, इक्वेशन नंबर सेवन। एक्स टू ऑफ जीरो, एक्स टू ऑफ जीरो इज कंसिस्ट ऑफ एक्स ऑफ वन डब्ल्यू सिक्स एस टू जीरो, एक्स ऑफ थ्री डब्ल्यू सिक्स एस टू जीरो, एक्स ऑफ फाइव डब्ल्यू सिक्स, ठीक है, एक्स वन ऑफ, एक्स थ्री, एक्स फाइव। देखो क्या रहा, एक्स वन, एक्स वन ऑफ, एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ फाइव। तो आई विल राइट हियर एक्स ऑफ वन, एक्स ऑफ थ्री और एक्स ऑफ फाइव। क्लियर? और ये आपका एक्स टू ऑफ जीरो है, ठीक है, देखो ये आपका एक्स टू ऑफ जीरो है, इसे बन रहा है कुछ से, तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। पहले एक्स वन ऑफ आ रहा है यहाँ पे, फिर आपका एक्स सेकंड एक्स ऑफ थ्री आ रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो है, यहाँ पे मल्टीप्लाई डब्ल्यू रेस टू सिक्स जीरो है, और यहाँ पे भी ये डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो। फिर नेक्स्ट इक्वेशन, नेक्स्ट इक्वेशन लेंगे हम एक्स टू ऑफ वन। देखिए एक्स टू ऑफ वन किसे कहते हैं, एक्स वन ऑफ, एक्स ऑफ वन डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो प्लस एक्स ऑफ थ्री डब्ल्यू सिक्स रेस टू टू प्लस एक्स ऑफ फाइव डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर। ठीक है, तो फर्स्ट देखिए यहाँ पे सेकंड में ले लेता हूं स्पेस, ये आपका आ गया एक्स ऑफ वन और एक्स ऑफ वन के साथ मल्टीप्लाई डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो। नेक्स्ट एक्स ऑफ थ्री आ रहा है इसपे, तो ये ले लिया मैंने डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर, ठीक है, सॉरी टू 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 सॉरी टू। और नेक्स्ट एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ टू पे एक्स ऑफ फाइव, तो ये आपका एक्स ऑफ फाइव है, सीधा यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। क्लियर? एक्स ऑफ फाइव और मल्टीप्लायर है वहां पे एक्स ऑफ डब्ल्यू सिक्स एस टू फोर। लास्ट बचा आपकी इक्वेशन, देखो ये इक्वेशन को देखना है, एक्स ऑफ टू, एक्स ऑफ टू इज एक्स वन, एक्स ऑफ वन, तो ये एक्स ऑफ वन पे सीधा एक्स ऑफ वन यहाँ पे लाकर कनेक्ट कर दिया, और इसके साथ मल्टीप्लाई किया डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो, डब्ल्यू सिक्स रेस टू जीरो। नेक्स्ट क्या है, एक्स ऑफ थ्री, एक्स ऑफ थ्री, तो ये आपका एक्स ऑफ थ्री, ठीक है, मल्टीप्लाई किया यहाँ पे डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर, डब्ल्यू सिक्स रेस टू फोर। क्लियर? और नेक्स्ट क्या है, एक्स ऑफ फाइव डब्ल्यू सिक्स रेस टू एट, तो एक्स ऑफ फाइव ये जा रहा है डब्ल्यू सिक्स रेस टू एट। क्लियर फ्रेंड्स? तो ये आपका डायग्राम हो गया डी आई टी एफ एफ टी फोर, एन इक्वल्स टू सिक्स वेन एन इज अगेन डिवाइड टू सिक्स इज डिवाइडेड टू इंटू थ्री। अब टू इंटू थ्री में आपको इस चीज ध्यान देना है, इसमें टू क्या है, टू वाला देखो फर्स्ट पार्ट आपका ये हो गया वन और ये टू। क्लियर? तो इसी को अपन बोलेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा, थ्री इंटू टू होगा तो थोड़ा चेंज हो जाएगा, थ्री इंटू टू होगा तो ये जो पार्ट है थ्री हो जाएंगे, और उधर मतलब इधर जो इक्वेशन थोड़ा चेंज हो जाएगा, ये जो डायग्राम इधर आएगा और टू वाला इधर आएगा, उल्टा हो जाएगा, थोड़ा सा मॉडिफाई होगा, सॉरी उसमें क्या आएगा, थ्री वाले में ये जो इक्वेशन है आपको एक मिनट सॉरी, टू इंटू थ्री में टू, ये सब दो पार्ट बने, दो फिगर है, ये टू बना, ये टू बना, फिर यहाँ पे एक फर्स्ट ये बना, सेकंड ये बना। क्लियर? टू इंटू थ्री में, अब थ्री इंटू टू में क्या होगा, ये जो दो दो लाइन का डायग्राम बनेंगे, दो दो लाइन के सिक्स डायग्राम बने, टू 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 ऐसे बनेंगे। ठीक है, वो डेवलप आप कर सकते हो, वैसे इजी है, आप करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मेरे ख्याल इतना हार्ड नहीं है, बट थोड़ा दिखने में थोड़ा टफ दिखता है डायग्राम, टिपिकल है बटरफ्लाई डायग्राम, इसके लिए आपको ऐसा लगे। तो फ्रेंड्स मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, अगर कुछ भी डाउट है, कुछ भी ऐसा इश्यूज है तो आप मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। बट मेरा एक ही रिक्वेस्ट है लास्ट में आपको, कि जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल फर्स्ट, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जैसे ही मेरी वीडियो अपलोड होगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना सा रिक्वेस्ट है फ्रेंड, और ज्यादा से ज्यादा आपसे एक और रिक्वेस्ट है, सबसे बड़ी रिक्वेस्ट है, हम्बल रिक्वेस्ट है, कि आपके पास जितने भी स्टडी ग्रुप के कोई भी चैनल्स है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप है या अपने फेसबुक है, उस पर इसके वीडियो के लिंक को आप शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है, ज्ञान बांटोगे तो बढ़ेगा, ठीक है ना, ये मेरा असूल है, ठीक है, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड।